मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा फी सब्जेक्ट रहेगा ईवीएस लेसन हमारा फर्स्ट। इसमें हम क्या करेंगे, रिश्तों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमने पहले भी आधा क्वेश्चन चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, बस कुछ टॉपिक हमारे इसमें रहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार किसे कहते हैं और एकल परिवार किसे कहते हैं। तो संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, जिस परिवार में दादाजी दादीजी दादीजी ताऊजी ताईजी चाचाजी चाचीजी तथा परिवार के सभी बच्चे तथा बुआ मिलकर एक साथ रहते हैं, साथ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। जिस परिवार में दादा दादी ताऊ ताई चाचा चाची तथा परिवार के सभी बच्चे मिलजुल कर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। एकल परिवार किसे कहते हैं, जिस परिवार में क्या होता है, जिस परिवार में सिर्फ माता पिता और बच्चे ही साथ में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एकल परिवार कहते हैं। जिस परिवार में माता पिता और बच्चे ही रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एकल परिवार कहते हैं। उसे, ठीक है, ये टॉपिक हमने किया था संयुक्त परिवार किसे कहते हैं और एकल परिवार किसे कहते हैं। अब तीसरा टॉपिक था हमारा गोद लेना, ये भी हमने कर लिया था, फिर भी एक बार बता देती हूँ। गोद लेना किसे कहते हैं, जब हम किसी अनाथ बच्चे को, जिसे कि अनाथ किसे कहते हैं, जिसके मम्मी पापा नहीं होते, उस बच्चे को अनाथ कहते हैं। और जब किसी अनाथ बच्चे को हम सरकारी संस्था के द्वारा कानूनी तौर पर हम उस बच्चे को गोद ले लेते हैं या उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह परवरिश देते हैं, उसे एक परिवार देते हैं, अपना नाम देते हैं, उसे क्या कहते हैं, गोद लेना, उसे गोद लेना कहते हैं। जब अब फिर परिवार में ऐसी भी बातें होती हैं, जब फैमिली का बच्चा होता है तो हम ये देखते हैं कि बच्चे के नाक नक्श किस पे मिलते हैं, नाक मम्मी पे गया है, चाचा पे गया है या दादी पे गया है, किस पर गया है, तो वो चीज़ें भी दिखाई देती हैं। पर कुछ वातावरण के अनुसार भी, माहौल के अनुसार भी होता है, आस पड़ोस में भी बच्चों में अलग अलग देख के बच्चों में गुण पाए जाते हैं। परिवार में जिस मम्मी के में जो गुण होते हैं वो भी बच्चे में आते हैं, जो पापा में होते हैं वो भी आते हैं, जो परिवार के अलग अलग सदस्य के अलग अलग गुण बच्चे में देखे जा सकते हैं। इसमें क्या है, अगला टॉपिक हम क्या लेंगे, बच्चों के लक्षण अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को क्या कहते हैं, आनुवांशिक या वंशानुगत लक्षण कहते हैं। और यह वंशानुगत अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। और इसके अंदर क्या किया है, ग्रेन जोन मेंडल ने जैसे मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, उन्हें अनुवांशिकता का जनक कहा गया। अनुवांशिकता का जनक किसे कहा गया, ग्रेर जोन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा गया। जब बच्चों में जैसे माता पिता और सभी के अनेक लक्षण पाए जाते हैं और वो वंश के अनुसार ही आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरे इसमें बताए गए हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए लक्षणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे हैं। इस कार्य हेतु इन्हें नोबल पुरस्कार भी दिया गया। किसे दिया, नोबल पुरस्कार, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबल पुरस्कार भी दिया गया। अब हमें इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बुक में, जैसे कि गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है, गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है। इंसान तो, मानव जो होते हैं वो अपने बच्चे को कैसे पहचानते हैं, वो तो देखकर पहचान लेते हैं, लेकिन गाय जो होती है वो अपने बछड़े को सूंघकर चाटकर पहचानती है, देख भी दे सकती है, वो देख भी सकती है, सूंघ भी सकती है, और वो चाटकर क्या करती है, वो अपने बच्चों की पहचान करती है। लेकिन मानव क्या है, अपने बच्चे का चेहरा देखकर उसकी पहचान करते हैं।
आज का ये चैप्टर अपना यही हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, कल की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूँगी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना क्या कहलाता है? वंशानुगमन कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना क्या कहलाता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना कहलाता है। क्या कहलाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना? वंशानुगमन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशानुगमन कहलाता है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया, अनुवांशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं दो महान वैज्ञानिकों के नाम? तो वो महान वैज्ञानिक कौन थे? दो अभी मैंने बताया था, ग्रेटर जॉन मेंडल ने जो मटर के पौधे पर अपना एक कहते हैं प्रयोग करके उसने अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक प्रयोग किया था। और डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने बहुत से पत्र शोध पत्र लिखे थे, इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? दो वैज्ञानिक, पहला था ग्रेटर जॉन मेंडल, दूसरे थे डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें लेंगे, अनुवांशिकगत लक्षण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अनुवांशिक लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि ये परिवार से ही प्राप्त होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, ताऊ ताई, जैसे इन्हीं से। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता या इन सभी से। तो इसमें क्या आ जाएगा? इन सभी से, क्योंकि नाना नानी से भी आते हैं, वो परिवार का हिस्सा है, दादा दादी और चाचा चाची से भी आते हैं। अब इसमें चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी माता की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है? आपकी माता की बहन आपकी क्या हुई? आपके माता की बहन आपकी मौसी हुई। तो ये हुए अपने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, एकल परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार आपको बता दिया, एकल परिवार भी आपको बता दिया, ठीक है। आज का अपना ये लेसन यही कंप्लीट होता है, कल की वीडियो में हम करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर।